अगर आपके घर में ज्यादा सब्जियां नहीं हो और अगर आपको कुछ जल्दी से बनाना हो तो आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रेसिपी लाया हूँ, जिसका नाम है दही तड़का, यानी कि दही तिखारी। दही तिखारी काठियावाड़ की रेसिपी है, लेकिन अलग अलग तरीके से बनती है। तो मैं आशा रखता हूँ कि मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा, क्योंकि इससे बहुत ही ज्यादा दही तड़का अच्छा बनता है। तो ये रेसिपी बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दही को अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम यानी कि 2 कप दही लिया है। इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अभी दही को अच्छे से फेंट लेंगे। यहाँ पे दही कैसा लेना है वो आपके ऊपर है। अगर आपको हल्का सा खट्टा दही पसंद है तो आप खट्टा भी ले सकते हो, और ज्यादा खट्टा नहीं पसंद तो उस हिसाब से आप दही ले लीजिए। जितना अच्छे से आप दही को फेंटोगे उतना ही बढ़िया आपका दही तड़का बनेगा। आप देख सकते हो जैसे जैसे हम इसे फेंट रहे हैं एकदम स्मूथ हो रहा है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसमें बहुत सारा हरा धनिया मिलाना है। यहाँ पे मैंने 1/4 कप धनिया लिया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये जो दही तड़का है बहुत सारी जगह पे इसमें प्याज और टमाटर भी डाले जाते हैं। आज मैं बिना प्याज और बिना टमाटर के ही बना रहा हूँ। अभी इसे मैंने मिला लिया है। अभी सबसे जरूरी जो आता है तड़का, तो हम तड़का लगाएंगे। अभी यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। ये जो रेसिपी है उसमें तेल की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहेगी, तेल की जगह पे आप घी भी ले सकते हो। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून राई डालेंगे। इसे एक बार अच्छे से चटकने देंगे। अभी राई अच्छे से चटक रही है। अब हम इसमें मिलाएंगे 1/2 टीस्पून जीरा। इसी के साथ इसमें मिलाएंगे लहसुन। तो यहाँ पे मैंने कटा हुआ लहसुन लिया है, ये 1/4 कप लिया है। लहसुन की मात्रा बहुत ही ज्यादा रहेगी इसमें। बहुत सारी रेसिपी में लहसुन और लाल मिर्च की चटनी जो आती है उससे भी बनाया जाता है, लेकिन इस तरह से भी ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। इसे अच्छे से मिला लेंगे। लहसुन जो है उसका कलर हल्का सा बदल जाना चाहिए, इसी से दही तड़का में टेस्ट आएगा। अभी आप देख सकते हो हल्का सा लहसुन पे कलर आना शुरू हो गया है। तो अब हम इसमें मिलाएंगे 2 सूखी लाल मिर्च। इसी के साथ इसमें मिलाएंगे 7 से 8 मीठे नीम के पत्ते। 1/4 टीस्पून हींग मिलाएंगे। एक बार फिर से सब कुछ मिला लेंगे। अभी ये जो पैन है वो मैंने गैस पे नहीं रखा है, तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था और साइड पे ले लिया है। तो अगर आप गैस पे रख रहे हो तो ये स्टेज पे आपको गैस की आंच बंद कर देनी है। अब हम इसमें मिलाएंगे बहुत सारा हरा लहसुन। हरा लहसुन ऑप्शनल है, लेकिन ये डालने से बहुत ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये मैं 2 बड़े चम्मच जितना डाल रहा हूँ। इसी के साथ इसमें मिलाएंगे हम 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। ये आपको गैस बंद करने के बाद ही डालना है। हल्का सा तेल को ठंडा कर लीजिए ताकि लाल मिर्च पाउडर जो है वो जले नहीं। 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर मिलाएंगे। अभी फिर से सब कुछ मिला लेंगे। आप देख सकते हो ये जो तड़का है बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया है। लाल मिर्च जो है वो भी बिल्कुल नहीं जली है और कलर भी एकदम बढ़िया आया है, और हल्का सा ये तड़का ठंडा भी हो गया है। तो बिल्कुल ये हमें ऐसे ही चाहिए। अभी ये जो तड़का है उसे हम दही में डालेंगे। थोड़ा सा तड़का मैंने बचा के रखा है सर्विंग के लिए। जब भी आप तड़का दही में डालते हो तो तड़का हल्का सा ठंडा होना बहुत ही जरूरी है, वरना दही जो है वो फट जाएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया दही तड़का तैयार है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये दही तड़का यानी कि दही तिखारी की रेसिपी जरूर पसंद आई होगी। ऐसी नई नई रेसिपी के लिए जरूर देखते रहिए विराज नायक रेसिपी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए।